Hello everyone. In this video lecture, we are going to see the concept of thrashing. Now, thrashing is a situation which is a very common phenomena in the virtual memory of operating system, <coughs> and it is a situation if the systems start spending more time in paging instead of their execution. Or we can also say that the thrashing is a concept in which a process is busy swapping pages in and out. अब देखिए होता है क्या है वर्चुअल मेमोरी में पेजिंग और स्वैपिंग का कंसेप्ट यूज़ होता है इसमें होता है क्या है कि जो हमारी मेन मेमोरी होती है हमारी जो मेन मेमोरी है उसमें हम पेजेस को डिमांड के अकॉर्डिंग स्वैपिंग एंड स्वैप इन एं आउट करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज से सपोज़ ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है और इसमें जो प्रोसेस है वो पेजेस की फॉर्म में स्टोर्ड होता है और ये पेजेस डिमांड के हिसाब से स्वैप इन और स्वैप आउट होते हैं तो ये डिमांड पेजिंग है अब इमेजिन कीजिए अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाए कि प्रोसेस जो प्रोसेस यहाँ पे रन कर रहा है वो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन ना करके बस इसी में बिज़ी हो जाए कि मैं पेजेस को स्वैप इन और स्वैप आउट करूँगा तो वो आपका एक थ्रेशिंग का प्रॉब्लम आरइज हो जाएगा अब ये होता कि होता कैसे है अगर एक प्रोसेस के पास इफ अ प्रोसेस डज नॉट हैव इनफ पेजेस डज नॉट हैव इनफ पेजेस फॉर द एग्जीक्यूशन देन द पेज फॉल्ट विल अकर एंड दैट पेज फॉल्ट विल बी हाई

Operating system needs to think. Operating system needs to think that the degree of multi programming should be increased. Degree of multi programming should be increased. अब देखिए हो क्या रहा है कि अगर मेरे पास पेज फॉल्ट हो रहा है तो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा सी पी यू अंडर यूटिलाइज है तो ओ एस क्या सोचेगा कि उसको अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करना है दैट मीन्स द ओ एस विल स्टार्ट ब्रिंगिंग मोर प्रोसेस इन द मेमरी सो द ओ एस विल स्टार्ट ब्रिंगिंग मोर प्रोसेस इन द मेमरी सो दिस विल लीड टू थर्ड फीचर विच इज अनदर प्रोसेस इज एडिट टू द सिस्टम another process is added to the system now there is one more process p2 which is added in the system ab dekhi process p1 ke paas bhi enough pages nahi the execution ke liye to wo bhi bar bar swipe in swipe out kar raha hai और P2 के पास भी enough pages नहीं है तो वो भी स्वैप इन स्वैप आउट कर रहा है ऐसे ही करते करते सी बहुत सारे प्रोसेसेस को एड कर देता है टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग अब अगर आपके पास एन नंबर ऑफ प्रोसेस हैं यहाँ पे जो सी पी यू ने एड कर दिए तो आपका जो पेज फॉल्ट रेट है वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा सो द पेज फॉल्ट रेट विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली एंड देर एंड देर विल बी ए टाइम व्हेन देर विल बी ए टाइम वैन द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग विल डिक्रीज टू Almost zero when the number of pages page fault will increase, or we can say that the CPU utilization will decrease to zero when the degree of multiprogramming is increased. So, there is a graph of thrashing which is important. The graph is like that. Here we have the degree of multiprogramming. and here we have cpu utilization and it is like that so there is a point there is a point when cpu utilization starts decreasing to almost zero when the degree of multiprogramming is increased और ये जो कंसेप्ट है कि जो आपका यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट जीरो पर आ जाता है डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग को बढ़ा के उस कंसेप्ट को या उस पॉइंट को हम कहते हैं थ्रेशिंग तो ये वाला जो पॉइंट है आपका दिस पॉइंट इज नथिंग बट थ्रेशिंग क्लियर सो दिस इज योर थ्रेशिंग थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on operating system and other computer science related subjects. Thank you.